हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबने पान तो खाया ही होगा, लेकिन आज मैं उसी पान के पत्ते से बना रही हूँ पान शॉट्स, जो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरे अमेजिंग पान शॉट्स। तो यहाँ मेरे पास है कुछ पान के पत्ते। तो ये सिंपल जो मीठा पान होता है, ये वो वाला पत्ता है। हम पूजा वगैरह में भी पान के पत्ते यूज़ करते हैं, या पान शॉप पे भी हमको पान के पत्ते मिल जाते हैं, तो आप कहीं से भी इसको ले सकते हो। अब मैं सिंपली इसकी जो थोड़ी सी मोटी डंडी है ऊपर की, इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए, सिर्फ ये मोटी डंडी मैं निकाल दूँगी। तो ये सारी जितनी भी मोटी डंडियाँ थी, इन्हें अब मैं फेंक दूँगी। और ये मेरे जो धुले हुए पान के पत्ते हैं, इन सबको मैं अब रफली चॉप कर लूंगी। हमने इसे मिक्सी में पीसना है, तो आराम से रफली चॉप भी करेंगे तो चलेगा। ये पान के पत्ते अब मैं डालूंगी मिक्सी में, और इसमें डालूंगी अब मैं थोड़ा सा, लाइक 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर सौंफ, साबुत सौंफ। और इसमें डाल रही हूँ मैं अब आइस क्यूब्स, या तो ठंडा पानी या तो आइस क्यूब्स, इन दोनों में से कुछ एक चीज़ डालिएगा तो इससे हमारे जो पत्तों का कलर है वो हम रिटेन कर पाएंगे। बस अब मैं इसे एक बारी पहले पीस लूँगी। इसमें अभी हम और इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे, पर मैंने सौंफ और पत्तों को अलग से इसलिए पीसा है ताकि सौंफ थोड़ी सी हार्ड होती है तो वो आराम से लाइक पिस जाए बीच में। चलिए अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये नारियल का बुरादा। तो ये सूखा नारियल का बुरादा है जो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, अंदाजन 3 चम्मच ये जाएगा। इसी के साथ मैं डालूंगी इसके अंदर गुलकंद। तो ये रोज पेटल्स की जैम बोली जाती है, या गुलकंद, जो भी आप इसको बोलें, ये भी जाएगा इसके अंदर। तो इसमें मैं डाल रही हूँ अभी 2 चम्मच। इसे एक बहुत ही अमेजिंग सा कलर देने के लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर। अब ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो मत डालो। थोड़ी सी और इसके अंदर मैं बर्फ डाल रही हूँ, और इसे मैं वापस से पीस लूँगी। वाओ, ये देखिए कितना अच्छा क्रीमी थिक हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। बहुत अच्छे से ये पिस गया है। आप इस पेस्ट को आराम से 1 से 2 हफ्ते स्टोर करके अपने फ्रिज में रख सकते हो, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। अब इसे बनाना कैसे है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमने पेस्ट बना के रखी थी, ये 3 चम्मच के अराउंड पेस्ट है जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। अब ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको हल्का मीठा पसंद है या ज़्यादा। मैं अभी इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ इसके अंदर फ्रेश क्रीम, ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन इसको ये बहुत थिक, क्रीमी और टेस्टी बना देगी। तो ये फ्रेश क्रीम जाएगी इसके अंदर। अगर फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर का नॉर्मल मलाई भी डाल सकते हो, वो भी ना हो तो वनीला आइसक्रीम डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो जो इसको थोड़ा सा क्रीमी कर दे। और अब लास्ट में जाएगा इसके अंदर दूध। तो ये बिल्कुल चिल्ड दूध है जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब मैं कर दूंगी इसे ब्लेंड। हो गया ये बहुत बढ़िया से ब्लेंड, और मेरा अमेजिंग ड्रिंक बन के तैयार।
आई होप आपको ये मेरी अमेजिंग रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ट्राई कीजिएगा, खुद पीजिएगा, फैमिली को पिलाइएगा, फ्रेंड्स को पिलाइएगा और बहुत सारी तारीफें पाइएगा। कैसी लगी आपको ये मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इसे इंजॉय कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी आऊँगी अपनी अगली अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।